हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ SBL की ग्लोइंग ब्यूटी फेयरनेस क्रीम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। साथ ही साथ आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है और इसके बारे में मिथ क्या है जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, और इसकी रियलिटी क्या है, यानी कि अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपको कोई फर्क पड़ भी रहा है या फिर नहीं, ये सभी कुछ मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ SBL की ग्लोइंग ब्यूटी क्रीम के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। हमारी जो स्किन होती है उसका जो मेलानिन पिगमेंटेशन होता है, जो वो जब डिसबैलेंस होने लगता है तो हमारी स्किन काफी ज्यादा बदरंग होने लगती है, यानी कि हमारी स्किन पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखने लगते हैं। साथ ही साथ हमारी जो माउथ का एरिया होता है वो भी काला पड़ने लगता है, यानी कि ये जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा काला होने लगता है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि जो नोज का एरिया होता है वहां पर भी पिगमेंटेशन आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में ये क्रीम जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगली जो कंडीशन आती है, जो पेशेंट है उसकी स्किन पर छोटे छोटे इल्ला हो रहे हैं, यानी कि मोल हो रहे हैं, लेकिन वो जो तिल होगा वो उभरा हुआ नहीं होगा, चिपटा स्किन के कलर का ही होगा। आप देखेंगे छोटी छोटी छाइयों की जैसी दिखेगी, लेकिन वो छाइयां नहीं रहती है, वो एक तरह का इल्ला है। तो उस कंडीशन में भी ये जो क्रीम है काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगली जो कंडीशन है दोस्तों, वो है अगर आपकी स्किन जो है काफी ज्यादा ओपन पोर्स हो रहे हैं उस कंडीशन में, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन से व्हाइट हेड्स निकल रही है और आपकी स्किन काफी अनहेल्दी दिख रही है, अगर आप देखेंगे अपने मिरर को लेकर तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो हमारी स्किन है वो काफी ज्यादा अनहेल्दी है, साथ ही साथ उसमें जो साइन है वो भी खत्म होने लगा है, उस कंडीशन में भी क्रीम काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो क्रीम होती है होम्योपैथिक की या फिर किसी भी और ब्रांड की या फिर कोई भी क्रीम अगर आपको कोई डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो उस क्रीम से जो आपकी स्किन का कलर होता है वो एकदम से गोरा हो जाएगा या आपकी जो स्किन है वो एकदम से सांवली से एकदम आप सफ़ेद हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी किसी भी क्रीम से नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड से हमेशा निकाल के चलिएगा कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। जो आपकी स्किन का कलर होता है, आपकी जो स्किन का टेक्स्चर होता है, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये जो क्रीम है या फिर होम्योपैथिक की जितनी भी क्रीम आती है वो इस हमारी स्किन टेक्स्चर को इम्प्रूव करती है, ना कि हमारी जो स्किन का कलर है उसे एकदम से बदल देता है। अगर आपको कोई भी डॉक्टर किसी भी क्रीम को सजेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जो स्किन का टेक्स्चर है, आपकी जो स्किन का आपका कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ जो आपकी स्किन का कलर है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव, यानी कि अगर एकदम आप सांवले से एकदम गोरे ऐसा कभी भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो स्किन का कलर होता है वो अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा कि हमारी जो स्किन है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है। इन दोनों में आप मैच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। SBL की जो क्रीम है इसमें बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट है, जैसा कि सबसे पहला इसमें जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है बेरबेरीज एक्वाफोलियम। बेरबेरीज एक्वाफोलियम होम्योपैथिक की लगभग 99% क्रीम में डाला जाता है, क्योंकि इससे स्किन का जो टेक्स्चर होता है वो इम्प्रूव होता है। उसके बाद की जो इसमें अगली इंग्रेडिएंट है वो है थूजा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्किन पे छोटे छोटे कील मुहासे हो रहे हैं उस कंडीशन में थूजा काफ़ी इफेक्टिव है। कैलेंडुला भी है दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, व्हाइट हेड्स होने लगते हैं, उसे इम्प्रूव करने में कैलेंडुला काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसमें चंदन भी है, जो हमारी स्किन को ठंडक रखने में काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस क्रीम को कैसे लगाना है। तो इस क्रीम को लगाने से आपको इंस्टेंट फेयरनेस मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप इस क्रीम को लगाने के बाद से बाहर भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इस क्रीम को लगा लेंगे तो धूप को अवॉइड करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप धूप में जा सकते हैं, उसके साथ ही आप इस क्रीम के साथ ही अगर आप चाहें तो सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो अगर इसकी MRP की बात की जाए तो 100 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है और इसकी MRP 70 या 80 के आसपास होगी, मुझे एग्जैक्ट इसका प्राइस याद नहीं आ रहा है। तो आपके किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।